हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश भदौरिया लखनवी रसोई से। देखिए, आज मैं एक अनारदाना की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये देखिए, ये इसको मेरे यहाँ अनारदाना बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये बताइएगा कमेंट में। ये नैनीताल में हम लोग रहते थे तो वहाँ इसे चौलाई सुनते बोलते थे लोग। जैसे हम कभी अनारदाना के लड्डू मांगते थे तो वो चौलाई बताते थे कि चौलाई का लड्डू। ये देखिए, ये ऐसा होता है। ये देखिए, छोटा छोटा सा ये व्रत में खाया जाता है। ये देखिए, ये व्रत में इसका लड्डू बना के खाइए, दूध में डाल के खाइए, जैसे हो। ये देखिए, इसके लिए मैंने ये देखिए दूध इधर गर्म कर रखा है, रबड़ी जैसा हो गया है। मैं अब इसको बंद कर दूंगी, इसी में जब बन जाएगा तो मैं इसको डाल दूंगी। ये देखिए, अब ये मेरी कढ़ाई चढ़ी हुई है, ये गर्म हो गई है। देखिए, ये गर्म हो गई। अब इसको मैं इतना इतना आधा स्पून डालूंगी, देखिएगा। ये इतना हम डालेंगे, इतना, ये देखा, ये इतना हम डालेंगे। और किसी क्लीन रुमाल से या साफ रुमाल से इसको हम बहुत धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलाएंगे, बहुत ही धीरे। मतलब ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं है, थोड़ा सा हल्के हल्के इसको राउंड राउंड गोल गोल घुमाना है। अब ये देखिए चिटकने लगा, देखिए ये, अब ये बिल्कुल राउंड राउंड हल्का हल्का घुमाते रहिए। ये देखिए, ये ऐसे ही हम सारे भून लेंगे। ये देखिए, मैंने दूसरा डाल दिया। अब इसको भी देखिए, वैसा ही हल्के हाथों से ऐसे रुमाल आप पकड़िए बराबर करके, और इसको हल्के हाथों से ऐसे ऐसे घुमाते रहिए। आँच थोड़ा तेज़ रखिए, कढ़ाई गर्म हो जाए। ये देखिए, ये आवाज़ भी आ रही है, देख रहे हैं आप। ये ऐसे, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतने भून लिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, वो जो गर्म दूध मैंने बना करके रखा है रबड़ी जैसा, मैं उसको इसमें मिक्स करती हूँ। ये देखिए, ये इसको धीरे धीरे करके पूरे में डाल देंगे। ये ज़्यादा दूध डालना हो थोड़ा दूध ज़्यादा डालिए, और इसका आपका व्रत में लड्डू बनाना हो तो लड्डू भी बन जाएगा। ये देखिए, ये स्पून लेते हैं और इसको हम, इस दूध में मैंने सिर्फ चीनी डाल रखी है। ये देखिए, अब ये 5 मिनट के अंदर भीगता है। देखिए, ये ऐसे तैयार हो जाएगा व्रत में खाने के लिए, और बहुत ही पौष्टिक होता है, और इससे बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं। इसको कहते हैं शुगर उगर में खाया जा सकता है। ये देखिए, ये अब इसमें हम, ये मेरे कटे मेवे रखे हुए हैं, ये बादाम है और काजू है। किशमिश मैं नहीं डालती हूँ, किशमिश से एक तो दूध फट जाता है, और दूसरा किशमिश थोड़ा मीठी होती है तो मैं उसको डालती नहीं हूँ। मुझे थोड़ा सा डायबिटीज की पेशेंट हूँ, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। देखिए, और दूध में मैंने सिर्फ चीनी डाल रखी थी, वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में। आप जैसा मीठा पसंद करें वैसा खाएं। ये देखिए, ये मेरी डिश तैयार हो गई। ये देखिए, आपको ये कैसी लगी, और आप चाहें तो इसमें चिरौंजी आती है एक, वो डाल लें। चिरौंजी मेरे पास है नहीं, वरना चिरौंजी इससे बहुत अच्छी लगती है। चिरौंजी और किशमिश आप डालें, फास्ट में आप इसको खा सकते हैं। इसको आप चाहें तो इसकी लड्डू भी बना लें, और चाहें तो ऐसे ही खाएं जैसा हम बना रहे हैं ये। और देखिए, ये मेरी मूँगफली रखी हुई, ये देखिए, मैं उबाल की मूँगफली हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए, ये मेरी नई मूँगफली है। मैंने पहले मूँगफली नई आ गई थी घर में, तो मैंने इसको छीला है, छील के इसके दाने को मैंने कुकर में उबाला है। और ये देखिए, ये मेरी धनिया मिर्चा की चटनी रखी हुई है। ये देखिए, कैसी लगी आपको मेरी चटनी। ये धनिया है, हरा मिर्चा है, थोड़ा सा जीरा है, और 2 डाल पुदीना है। देखिए, ये कितनी हरी हरी सी लग रही है। देखिए, मैं एक दिन आपको आलू की कचालू बना के दिखाती हूँ। अब मैं बनाऊँगी 1 कप चाय, और तब तक आप मेरी डिश का मज़ा लीजिए। और प्लीज़ देखिए, मैंने ये आलू भी अपने लिए भून के रखा हुआ है। ये अब ये दोपहर में करीब वही 2 बजे मैं इसको फ्राई करूँगी, तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं। और ये मेरा फास्ट है, मैं हमेशा मंडे रहती हूँ। तो ये देखिए, ये आपको कैसी लगी मेरी डिश, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। देखिए, ये देखिए, ये मेरी चटनी है, और ये मेरी मूँगफली है। मैं चाय बनाऊँगी, उसी के साथ खाऊँगी। आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे खाली बैठे बैठे बोर होती हूँ, मैंने कई बार आप सबको बताया, इसलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। थोड़ा टाइम, आधा घंटा इससे बिजी हो जाती हूँ, वरना बैठी हूँ तो बैठी ही हूँ। बैठे बैठे हाथ पैर और जाम हो जाते हैं, 60+ उम्र। तो आप सभी देखिए, अगर मेरे अनुभव आपको फ़ायदा दें तो देखिए, ये पुरानी डिश है, बहुत पुरानी। देखिए, जम रहा है, ये देखा, ये देखिए, ये ऐसे जम जाएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। देखिए, ये बच्चों को भी खिलाएं, बहुत पौष्टिक होता है। और ज़्यादा चाहें तो आप इसको देखिए, ये चीज़ है, ये
इसको आप चाहें तो कंटेनर में भून के रख भी सकते हैं। ये देखिए, ये आप कंटेनर में भून के रख लें और इसको ये भून के रख लें, जब मन हो थोड़ा सा निकालें, बच्चों को दूध में डाल के खिलाएं, छोटे बच्चों को, बहुत ही पौष्टिक होता है ये। ये ये अनारदाना बोला जाता है कहीं कहीं, कहीं कहीं रामदाना बोला जाता है और कहीं कहीं चौलाई बोला जाता है, और मेरे लखनऊ में तो उधर अनारदाना ही बोलते हैं, इधर नैनीताल और गाजियाबाद साइड चौलाई बोलते हैं। इसको देख लीजिए, इसका लाल रंग का पेड़ होता है, लाल लाल पत्ते होते हैं और बड़ा सा फूल निकलता है सनील जैसा, और उसके अंदर ये दाने होते हैं जो पीस के निकाले जाते हैं, पीट के, जब सूख जाता है तो ये पीटा जाता है अप्रैल महीने में, फिर ये निकलता है। देखिए मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये है, बहुत छोटा दाना होता है इसका, ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी डिश है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मैं मिथिलेश भदौरिया लखनवी रसोई से आप सबका अपने रसोई में स्वागत करती हूँ, और आप सबके लिए मैंने मीठी डिश बनाई है। हो सकता है बहुत से लोग सोमवार का आज फास्ट हों, क्योंकि मंडे का फास्ट ज़्यादातर तो लोग रहते हैं। ये देखिए, मैं तो रह रही हूँ कम से कम 35-40 साल हो गया। देखिए ये मैंने आज अपने लिए डिश बनाई है, तो मैंने सोचा आप सबको भी शेयर कर दूँ। थैंक यू, अगेन थैंक यू।